Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk Deva English spoken class. Friends, मैं आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, जितना कुछ भी पढ़ाते जा रहा हूँ, जितना वीडियो भी बना रहा हूँ मैं, ये एडवांस कोर्स का है. पहले बेसिक मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था, जब बेसिक ख़त्म हुआ था तो सारा बेसिक का एक ही वीडियो बनाया था मैंने 25-30 मिनट का. ये एडवांस कोर्स चल रहा है जिसमें टेंसेज मैंने पढ़ा दिए हैं और अभी टेंसेज के बाद वाली चीज़ें जो पढ़ानी थी मैंने पढ़ा दिया है आपको. और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वॉइस. आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं वॉइस की. पहले हम सीखेंगे वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए, कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं और पैसिव टू एक्टिव हम कैसे बनाते हैं. उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि वॉइस का इस्तेमाल हम लैंग्वेज में किस तरह से करते हैं, और फिर हम आपको कन्वर्सेशनल वॉइस पढ़ाएंगे जो हम लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं. जिस वॉइस का, उस वॉइस को हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है. पहले हम इसलिए हम चेंज करने के लिए बताएंगे ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा हो, उनको पता चले, एग्ज़ाम्स वगैरह में दिक्कत ना हो वॉइस चेंज करने के लिए, इसलिए ये बताना ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द वॉइस? आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट द वॉइस. व्हाट इज़ द वॉइस? वॉइस के बारे में सब जानते हैं, बट समझते कोई कोई है. कुछ लोग बोलते हैं वॉइस का क्या इस्तेमाल होता है बोलचाल में, क्या फ़ायदा है, लेकिन ज़्यादातर हम बोलचाल में वॉइस का इस्तेमाल करते हैं. वो कन्वर्सेशनल वॉइस होगा जो हम आपको इस चैप्टर के बाद पढ़ाएंगे, जब ये चेंज करने वाला सारे टेंसेस का वॉइस हम बता देंगे आपको, ठीक है फ्रेंड्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं ये कन्वर्सेशनल वीडियो, तो लेट्स वॉच. Meet my sir, Mr. Deva. Hi. Hi. I'd like to meet you, sir. Please have a seat. Thank you very much. Hi. What's your name? Kirtan. And in which class do you study? Junior. Very good, very good. It's a brother. Yes, he is my younger brother. Yes. I'm very glad that you have come. My sister always admires you and your teaching. She is very good girl. But she doesn't study regularly at home. Is it? But I always find her up to date in her work. Sir, I heard that you are also a singer, dancer and actor. It means you are multi-talented. It's all by grace of God. Did he tell him to sing a song? Okay. If you don't mind, would you please sing a Hindi song written by you? Yes, it will be my pleasure. Then sing. Okay, I am singing written by me, okay? Tu hi meri, tu hi meri आरज़ू. तू ही मेरी तू ही मेरी जुस्तजू. तेरे नाल में सारी जिंदड़ी जीऊं, सारी जिंदड़ी तेरा सजदा करूं. तू मेरी जिंदड़ी, तेरे बिन कुछ नहीं. तू मेरी जिंदड़ी, तेरे बिन कुछ नहीं. वेरी नाइस. थैंक यू. ओके, आई हैव टू गो. ओके, आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू गो समवेयर. ओके ओके, बाय बाय प्रीति. बाय सर. ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हम वॉइस. तो मैंने लिख कर रखा है वॉइस. वॉइस का मतलब हिंदी में वॉच बोलते हैं, हिंदी में कोई नहीं जानता है लेकिन इंग्लिश में सब जानते हैं. वॉइस, देर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस, टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. व्हाट इज द एक्टिव वॉइस? अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है बेसिक या टेंस, वो सारे के सारे एक्टिव थे, सारे के सारे एक्टिव वॉइस थे. अब मैं किसी इसको परिभाषित करना चाहूँ, अगर इसका डेफिनेशन दूँ तो डेफिनेशन ये होगा कि वॉइस, एक्टिव वॉइस
उसको बोलते हैं जिसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट का संबंध डायरेक्ट क्रिया से होता है यानी वर्ब से होता है, और पैसिव वॉइस उसको बोलते हैं जिसमें कर्ता निष्क्रिय होता है। एक्टिव में कर्ता सक्रिय होता है इसलिए इसको सक्रिय वाच बोला गया है, और पैसिव में कर्ता निष्क्रिय होता है इसलिए उसको हम निष्क्रिय वाच बोलते हैं। निष्क्रिय से मेरा मतलब क्या है? निष्क्रिय से मतलब यह है कि पैसिव में कर्ता का डायरेक्ट संबंध जो है क्रिया से नहीं होता है, उसको हम पैसिव बोलते हैं, और एक्टिव में सब्जेक्ट का जो डायरेक्ट संबंध होता है वो वर्ब से होता है, क्रिया से होता है, इसलिए हम उसको एक्टिव बोलते हैं। उसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है यानी कि सक्रिय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि देर आर ओनली 8 टेंसेस, सिर्फ 8 टेंसेस हैं जिनका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते हैं, 4 टेंस नहीं बनते। बाकी सब जो मैंने बेसिक में पढ़ाया मॉडल वर्ब्स हैं उसके बनते हैं, बट टेंस में 12 टेंस में सिर्फ 8 टेंस के बनते हैं, 4 टेंस के नहीं बनते हैं। 4 टेंस कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं? तो जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये तीनों के तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जितने भी हैं इसके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, और फ्यूचर में ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। बाकी सभी 8 टेंसेस के वॉइस पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सभी 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कन्वर्सेशनल वीडियो। ओके फ्रेंड्स, अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं इस पर 6-7-8 वीडियो बना चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस की पहचान क्या होती है? जब भी सेंटेंस के अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताऊ ऐसा रहता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। हम इसमें एक सेंटेंस लिखते हैं कि मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं। दिस इज एक्टिव, ये एक्टिव हो गया। तो इसमें मेरे पिताजी इज द सब्जेक्ट, पढ़ाना इज द वर्ब और मुझे इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम बनाते हैं माय फादर टीचेस मी, माय फादर टीचेस मी। इसमें ये माय फादर इज द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, और टीचेस वर्ब हो गया, और मी हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, माय फादर सब्जेक्ट हो गया, टीचेस वर्ब और मी हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम पैसिव वॉइस इसका हम बनाते हैं। पैसिव कैसे बनाएंगे? ओके, पैसिव, तो पैसिव में सबसे पहले आप ध्यान रखना, पैसिव में जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट बन जाता है, और ये सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि जो एक्टिव वॉइस में लास्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं जब उसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हम लिखेंगे मी का सब्जेक्ट में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो आई हो जाता है, मी का आई हो जाता है, तो आई एम टाउट टी ए यू बाई माय फादर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला जो है पैसिव वॉइस बनाने का वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस इजारम प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बाय लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के पहले हम बाय जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो आई एम टाउट बाई माई फादर। अब यहाँ पर माई फादर सब्जेक्ट था इसमें एक्टिव में, और यहाँ पे पैसिव में ऑब्जेक्ट बन गया, और इसमें जो ऑब्जेक्ट था मी यहाँ पर आकर सब्जेक्ट बन गया पैसिव में। तो यही फार्मूला है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए मैंने फार्मूला लिखा है कि सब्जेक्ट यानी कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट आया हो उसके बाद इज आर एम सब्जेक्ट के हिसाब से, और
जितने भी पैसिव सेंटेंसेस है सभी पैसिव सेंटेंसेस में क्रिया का तीसरा रूप लगाया जाता है, तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आर यूज्ड इन द ऑल पैसिव सेंटेंसेस. ओके फ्रेंड्स, तो इतना ख्याल रखना, याद रखना कि सभी पैसिव सेंटेंसेस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होता है. आप पैसिव सेंटेंस बनाते वक्त कभी मत सोचना है कि कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखूं, थर्ड फॉर्म हमेशा याद रखना. तो ये प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस के पैसिव बनाने के ये फॉर्मूले हैं. ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं. मैं दूध पीता हूं, तो दिस इज एक्टिव. मैं दूध पीता हूं, दिस इज एक्टिव. आई ड्रिंक मिल्क. अभी मैंने आपको समझाया था कि इसका हम अगर हम पैसिव बनाएंगे, ये एक्टिव है, इसका हम अगर पैसिव में टर्न करते हैं इसको, तो इसका ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट आ जाता है इधर, तो द मिल्क हो जाएगा. अगर किसी हम नाउंस की बात कर रहे हैं, अब नाउंस की बात कर रहे हैं वहाँ पर हम, तो द लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर थिंग्स की बात कर रहे हैं. इसके लिए द मिल्क. अब यहाँ पर मैंने जो फार्मूला लिखा था इज आर एम, तो इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे, इज आएगा. द मिल्क इज ड्रिंक का थर्ड फॉर्म, ड्रंक बाई. अब यहाँ आई का ऑब्जेक्ट होगा तो मी होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, और फिर मी को सब्जेक्ट में बदलना होगा तो आई हो जाता है. तो इसके लिए हम इसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ पे मी हो जाएगा, बाई मी. ठीक है फ्रेंड्स, द मिल्क इज ड्रंक बाई मी. ये मैं सिर्फ चेंज करने के लिए बता रहा हूँ, चेंज करने के लिए बता रहा हूँ, ताकि ये एग्जाम्स वगैरह में काम आए. बोलचाल में हम इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते हैं. बोलचाल में हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं मैं उसको आपको आगे पढ़ाऊंगा, सारे टेंसेस खत्म करने के बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का. फिर मैं कन्वर्सेशनल, जो कन्वर्सेशनल होगा उसको अलग से मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको बातचीत करने में फायदा होगा और आपको पता चलेगा कि हम पैसिव सेंटेंसेस का लैंग्वेज में इस्तेमाल किस तरह से करते हैं. और बहुत ज़्यादा करते हैं फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि ये इस तरह से हम बोलते हैं, थोड़ी है, बोलने के लिए नहीं है, बस एग्जाम्स के लिए है, फॉर्मेलिटी है. बोलने के लिए हम अलग तरीके से आपको पढ़ाएंगे और उसका वीडियो हम स्पेशल बनाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने बना दिया एक्टिव टू पैसिव. अब पैसिव सेंटेंस को हम एक्टिव में टर्न करेंगे, तो कैसे करेंगे? जैसे हम एक पैसिव सेंटेंस लेते हैं, पैसिव सेंटेंस. द ट्री इज कट बाय देम. अब यहां पर दिस इज द पैसिव सेंटेंस. यहां पर सब्जेक्ट क्या है? द ट्री है. इसमें ऑब्जेक्ट देम है. तो हम जब इसका एक्टिव में इसको हम टर्न करेंगे, तो एक्टिव में इसको बदलते वक्त देम का सब्जेक्ट हो जाएगा दे. तो दे हम सबसे पहले लिखेंगे दे. अब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस है. आप सीधा समझ आना, इज आर एम आएगा और वी थ्री आएगा उसके बाद, जस्ट बाद, तो प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस का सेंटेंस होगा. अब दे कट दैट ट्री. सिंपल है. कभी भी हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते वक्त एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव बनाते वक्त सब्जेक्ट हो जाता है, और एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव बनाते वक्त ऑब्जेक्ट हो जाता है. ये आपको मैं समझा चुका हूँ पहले ही. और जब हम पैसिव से एक्टिव में चेंज करते हैं तो पैसिव का ऑब्जेक्ट एक्टिव में सब्जेक्ट बन जाएगा, और फिर इसका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा. सिंपल. बट हमेशा प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस का ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना आप, इज आर एम प्लस वी थ्री प्लस बाई फिर ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट हो और इज आर एम में से कोई भी एक हो, और उसके बाद वी थ्री हो, फिर बाई ऐसा करके हो, तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस का ही पैसिव सेंटेंस है. फिर उसको प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस के एक्टिव में कैसे टर्न करते हैं, अगर एक्टिव का फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से कर सकते हैं. अब इतना याद रखना, जब भी हम पैसिव को एक्टिव में टर्न करेंगे तो वहाँ पर वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस में. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये आज का टॉपिक था, एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव ऑफ प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस. तो प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस का हमने वॉइस सीख लिया. अब हम इसी तरह से जितने भी आठ टेंसेस हैं और बाकी मॉडल वर्ड्स हैं, सबके हम धीरे धीरे एक एक करके एक एक वीडियो हम बनाएंगे इसका.
सभी सारा कुछ एक ही वीडियो में बना देना सही नहीं है। जितना शिक्षा क्या है, पढ़ाई जो है वो विस्तार से पढ़ाई जाए और विस्तार से सीखी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर इसका आप इस्तेमाल करते वक्त भले ही शॉर्टकट में इस्तेमाल करो चाहे कुछ भी करो, बट सीखी जाए अगर विस्तार में तो ज़्यादा टिकाऊ होती है और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आती है। इसलिए मैं एक एक वीडियो बनाते जाऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।